like a Hellcat. हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले, अरे तू कौन है? अरे मेरा पड़ोसी का अरे ओ मैं तेरा ही पोकेमॉन हूँ। ओ अरे मैं भूल गया था। अरे गाइस, इसका नाम है ऑरा। ये सब लोग अपने बोन रश से मारता, उसको ऑरा स्पीयर नहीं आता। तो हाँ, मैं किधर था? ओ हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रॉयल पोकेमोन। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता, तो जैसे ये मेरा ऑरा दिख रहा है, वो एक रॉयल पोकेमोन है। फॉर एग्जांपल, आपने लुकारियो एंड द म्यू वाली मूवी तो देखी होगी। तो वो जो सर एरन का जो पोकेमोन था ना, ये लुकारियो, वैसे वो एक रॉयल पोकेमोन था। तो वैसे ही हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे पोकेमोन जो रॉयल है। तो गाइस, जो नंबर 5 पे, उसका नाम है हडियर। हडियर क्यों? क्योंकि उसकी पोकेडेक्स में ही ऐसा लिखा है कि वो अपने मालिक के लिए बहुत रॉयल है, कुछ ऐसा ही लिखा था उसके पोकेडेक्स में। तो इसलिए ये अपने लिस्ट में नंबर 5 पे आ रहा है। गाइस, जो आता है नंबर 4 पे, उसका नाम है ग्राउलर। मेरे पास मत बैठ प्लीज़ ग्राउलर, मेरे पास मत बैठ ग्राउलर, प्लीज़ मेरे पास मत बैठ। अरे क्या यार, तेरा ऑरा क्या है? वैसे बता दूँ गाइस, ये कुत्ते से बहुत डरता है, इसलिए मैं इसको नहीं पास बुलाऊँगा। तू उधर ही अपने डर को कंट्रोल करके रख, मैं उसको उधर ही भेज रहा हूँ, उससे उधर ही रख रहा हूँ। तो ये नंबर 4 पे क्यों आता है? क्योंकि आपने तो देखा ही होगा, वो एक कैंटो रीजन में एक एपिसोड था जिसमें ग्राउलेट ने जेम्स की बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो गाइस, इसलिए हमारा ग्राउलेट इस नंबर 4 पे आता है। नंबर 3 पे जो आता है, मैं आपको बता। गाइस, जो नंबर 3 पर आता है, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, एम्ब्रियन। ए चल मुझसे दूर हट। ए क्या बोल रहा है तू? और बेचारी कितनी क्यूट है यार, चल उससे माफी मांग, चल सॉरी, चल थैंक यू। तो फिर एम्ब्रियन की ये खासियत है कि वो किधर भी रात को वो किधर भी अंधेरे से उजाला कर सकती है, अपने वो गोल गोल से होते हैं ना उससे। और अगर उसके ट्रेनर को कुछ हार्म पहुँचे, तो फिर वो उसको ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती है, सीरियसली। तो इसलिए ये हमारी लिस्ट में जगह बनाती है। तो जो है नंबर 2, वो आपको बता। मैडम जी, मेरे साथ किधर आप चलोगी? और ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम अपनी बातें करो, हम लोग अपनी बातें। हाँ, तो गॉडेवियर की ये खासियत है कि वो अपने ट्रेनर को अपने से कभी खोना नहीं चाहती, और वो पहले ही ऐसा कुछ कर सकती है जिससे वो फ्यूचर भी देख सकती है और अपने ट्रेनर को भी साथ के साथ बचा सकती है। तो ये उसकी बहुत सही पावर है, और मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप ये पोकेमोन गेम में चूज़ करें। तो गाइस, जो नंबर 1 पे आ रहा है, वो आपकी स्क्रीन पे पहले ही खड़ा है। गेस करिए कौन? अपना लुकारियो। नहीं, औरा नहीं, अपना लुकारियो। लुकारियो, ए हम लोग तो मेले में भी छिड़े दो भाई, आजा गले लग जा। नहीं लगे दबक। हाँ, तो लुकारियो की ये खासियत है कि अगर उसका ट्रेनर को कुछ हार्म पहुँचा, तो उसका कैसे बताऊँ आप लोग को, उसका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा ना कि वो किसी को भी मार डाल सकता है एक ही बार में, अपने एक बोन रश से। ए लुकारियो मेरे, उसको मत मारना औरा को, बस ठीक है। तो आज की लिस्ट इधर ही ख़त्म होती है। तो मज़ा आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन भी दबाना, कमेंट करना कि तुम्हें कैसा लगा, और मेरे औरा की तरफ से बाय बाय गाइस।